हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब आप सबको पता है कि तीनों रूल के हिसाब से, तीनों अकाउंट के रूल के हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है और कब, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टेप्स टू डेबिट क्रेडिट अकाउंट। उसके कुछ स्टेप्स हैं डेबिट और क्रेडिट कोई भी अकाउंट को करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइंस वेदर ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन देखो कि इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, उसके बाद ही उसकी एडजस्टमेंट या तो फिर उसकी कोई भी इफेक्ट दी जाएगी। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। लाइक एन ऑर्डर इज रिसीव फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 2000, ऑर्डर मिला है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या करो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इज दिस ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक और नॉट। सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट्स, एक ट्रांजेक्शन में दो डिफरेंट अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे तो रिकग्नाइज करने के बाद कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कौन से दो अकाउंट जो है वो उस पर अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आप जो है आइडेंटिफाई करो। एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। डिटरमाइन विच अकाउंट हैज डेबिट इफेक्ट एंड विच अकाउंट हैज क्रेडिट इफेक्ट। ऑन दैट बेसिस बोथ द अकाउंट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबोव मेंशन टेबल। फर्स्ट डिटरमाइन डेबिट इफेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन क्रेडिट इफेक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब कौन सा डेबिट करना है अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो एक टेबल के थ्रू आपकी बुक में समझाया है, विच इज इन इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ रणछोड़, डिस्क्राइब। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रणछोड़ कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। अब ये एक ट्रांजेक्शन हो गया और ये कैसा ट्रांजेक्शन है, दिस इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिकॉज वी कैन मेजर इन टू टर्म ऑफ मनी। सो यहाँ पे दो जो है, एक तो रणछोड़ कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, रणछोड़ बिजनेस में कैपिटल लेके आया 50,000 की, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो बिजनेस में कैश आई, कैश कम इन, राइट, और दूसरा जो टर्म है वो है कैपिटल। अब कैपिटल कौन से अकाउंट में आता है, कैपिटल कौन लेके आता है, ओनर, और यहाँ पे कैपिटल लेके आता है रणछोड़, तो रणछोड़ इज गिवर। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट कैश कम्स इन, रूल ऑफ रियल अकाउंट में कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट को शॉर्ट में डी आर लिखा जाता है, दिस इज नॉट डॉक्टर, दिस इज डेबिट, कैपिटल डी और स्मॉल आर, ये है साइन डेबिट की। सो कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड, एंड हु इज द गिवर, रणछोड़ इज गिवर, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट, सी आर, कैपिटल सी स्मॉल आर, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जिसमें कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड कैपिटल जो है वो लेके आ रहा है रणछोड़, रणछोड़ इज द गिवर, सो दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट करेंगे, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल, क्लियर? नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन इज रुपीज 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में 20,000 जो है वो डिपॉजिट किया, तो कैश गोज आउट
और रिसीवर यहाँ पे कौन है? बैंक। यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेकंड इज कैश। अब बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिसीवर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। पैसे कौन ले रहा है? बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट्स व्हाई बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड कैश गोज आउट, कैश हमारे पास से गई बैंक में, बैंक के पास आई, हमने क्या किया? कैश दे दी बैंक को, तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट में और सेकंड में कैसे इफेक्ट समझ में आया? सेकंड अकाउंट ट्रांजेक्शन जो था, डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक, तो कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड, एंड रिसीवर बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट्स व्हाई बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 परचेज ऑन कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 2000, यानी कि 2000 के गुड्स परचेज किए ऑन कैश। यहाँ पे दो अकाउंट जो है वो अफेक्ट होते हैं, फर्स्ट गुड्स कम्स इन, गुड्स बिजनेस में आता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज, और परचेज गुड्स किया विद कैश, तो सेकंड अकाउंट जो है वो अफेक्ट होगा कैश। तो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, परचेज एंड कैश। अब बिजनेस में जो है गुड्स आ रहा है तो डेबिट गॉट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो क्रेडिट क्या होगा? बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स असेट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 सोल्ड टू राधा, राधा को सोल्ड किया गुड्स वर्थ रुपीज 6000। तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, फर्स्ट गुड्स बिजनेस में से जा रहा है दैट्स वाई सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे रिसीवर कौन है? राधा। तो राधा और सेल्स, ये दो अकाउंट जो है वो अफेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन में। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट गोट गोज आउट, एंड यहाँ पे रिसीवर है राधा, तो राधा जो है रिसीवर अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो यहाँ पे राधा का अकाउंट होगा डेबिट, और गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, राधा अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 1000 परचेज ऑन कैश। सिमिलर जैसा थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने किया था, गुड्स ऑफ 1000 परचेज ऑन कैश, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 परचेज फ्रॉम मीरा, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और यहाँ पे गिवर कौन है? मीरा। मीरा का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मीरा अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद है परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 1000, फर्नीचर परचेज किया 1000 का, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैश में परचेज किया है कि क्रेडिट में, लेकिन अगर कैश वर्ड यूज ना हुआ हो और पर्सन का नाम भी ना यूज हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन, तो हम ऐसा मानते हैं कि फर्नीचर जो है वो कैश में परचेज किया है, दैट्स व्हाई फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश गोज आउट, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रुपीज 300, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पे किया है तो कैश बिजनेस में से गया होगा, कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव, इनकम हुई कैश बिजनेस में आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यहाँ पे इनकम है डिविडेंड। उसके बाद है वेजेस पे,
So wages is at his expense, wages account will be debited and paid किया, यानी कि cash business में से गए तो cash account will be credited. उसके बाद है मशीन ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. एक तो बिजनेस में मशीनरी आई तो असेट अकाउंट इज डेबिटेड एंड गिवर कौन है यहाँ पे रमेश ब्रदर, तो रमेश ब्रदर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है, इसको आप घर पे रिवाइज कीजिए. ऐसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 11 है जो है आपके लिए होमवर्क. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए घर पे इसको रिवाइज कीजिए. थैंक यू वेरी मच.